ऐसा कहा जाता है कि आपका एक वोट 5 साल की सरकार तय करता है और 5 साल में एक बार देश की जनता खेलती है ये गेम शो और लोकतंत्र के महापर्व में देती है अपनी आहुति। आज हम एमपी न्यूज के इस रेड कारपेट पर खेलने वाले हैं कौन बनेगा पीएम। जी हाँ, किस तरह से देश की जनता और देश के मुद्दे आपके लिए जानना है जरूरी और किन वादे और किन इरादों के साथ आपका एक वोट आने वाले 5 साल देश का भविष्य तय करने वाले हैं। एमपी न्यूज के इस रेड कारपेट पर संसद की प्रतिकृति पर जनता से सरोकार रखने वाले वो राजनेता आज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुद्दों की बात करेंगे और बात करेंगे वादों की और इरादों की। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल जी। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ललित पुरवाल जी। पुरवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है राजीव विकास केंद्र के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूंकि देश में मोदी सरकार का 5 साल डंका बजा है, ऐसे में क्या सोचते हैं बीजेपी के नेता, सीधी बात करते हैं। सबसे पहले उमाशी शर्मा जी, आपसे बात करेंगे। महिलाएं पहले होती हैं और मुद्दों के मामले में भी महिलाओं की जो राय है बहुत अहम हो जाती है। क्या लगता है कौन बनेगा देश का नया प्रधानमंत्री? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, 5 साल मोदी जी के काम इस देश ने देखे हैं तो, और जो देश को आज ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, मैं तो यही कहूंगी कि हमारे फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी का भरोसा है और पूरी की पूरी बीजेपी को एक ही सहारा है, नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं अर्चना जी। अर्चना जी, क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपने बहुत अच्छा भी पूछा था, नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैं देख रही थी कि अभी जो माहौल जिस तरह से चल रहा है पूरे भारत में, एक अंडर करंट जो है, और सब चाहते हैं कि युवा आवाज़ आए। वैसे हमारा गठबंधन भी बना हुआ है, गठबंधन जो तय करेगा वो नेता बनेगा, परंतु हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। जिस तरह से उन्होंने पूरी बयार जैसी ला दी पूरे भारतवर्ष में, आप देखें अभी विधानसभा चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़, हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब एक तरफा से वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई। और अभी आप देखें साउथ की तरफ जाएँ और काफ़ी जगह जाएँ तो एक लहर सी चली हुई है, क्योंकि वो सत्य की आवाज़ है और सत्य वचन बोलते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में सत्य वचन को निभाने वाले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जो बने, उनके वचनों को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा, चाहे मैं किसानों के लिए बोले, कर्ज माफ़ी का उन्होंने जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि आप माफ़ करिए, और कर्ज माफ़ हुआ। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए अलग से बजट बनाएंगे, किसानों का बजट माफ़ हुआ। उन्होंने कहा हम रोज़गार देंगे, क्योंकि देश का युवा है वो रोज़गार मांग रहा है, तो रोज़गार देने की बात करी। उन्होंने कहा 22 लाख हम रोज़गार देंगे, कई लाखों रोज़गार अभी विगत 5 सालों में खाली पड़े रहे। और जैसे मोदी जी ने बोला कि हम 15 लाख देंगे, लोगों ने जेब में हाथ डाला, 15 लाख के 5 रुपये भी नहीं मिले। तो उन्होंने कहा हम 72,000 की न्याय योजना लाएंगे और 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय उसकी न्यूनतम आनी ही चाहिए, क्योंकि एक देश का जो नागरिक है वो, उसके पास यदि कुछ पैसा हो तो ये उसका खुद का पैसा रहेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा बैंकों में महिलाओं के अकाउंट भी खुलवाए जाए। मोदी जी का 15 लाख आए के नहीं, पर तो मेरा 6,000 जरूर आदमी की जेब में जाएगा। उन्होंने अच्छी नीतियाँ बनाई। उन्होंने कहा शिक्षा के लिए मैं अलग से बजट बनाऊंगा, स्वास्थ्य के लिए योजना बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा। तो ये जनता के मुद्दे हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, हमको राष्ट्रभक्ति बतानी नहीं है। हम तो हैं, भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं और राष्ट्रीयता हमारा धर्म है, हम उसको राजनीति में यूज़ नहीं करते हैं। परंतु अभी इसलिए राहुल गांधी जी ने बोला कि जो अभी मोदी हैं 5 साल रहे, वो उन्होंने GST लगा दिया, व्यापारियों के पेट पर लात पड़ी, उन्होंने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी से अभी तक आर्थिक जो दर है हमारी भारत की उठ नहीं पाई। तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए, जनता की शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, किसानों के मुद्दे हों, महिलाओं के रोजगार के मुद्दे हों, और इस तरह के मुद्दे होके देश तरक्की करता है। तो हम चाहते हैं आने वाले समय में जो अब नया प्रधानमंत्री बने वो राहुल गांधी जी बने, देश का नया प्रधानमंत्री कांग्रेस की नज़र में राहुल गांधी बना चाहिए। ललित पुरवाल साहब, क्या लगता है सर, बहुत राजनीति को करीब से आपने देखा है, लगातार पार्टी का झंडा उठाया है, क्या वाकई में कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, और आपकी नज़र में क्या मोदी जी को फिर आना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के लोग जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने इसलिए कि कांग्रेस कुल मिला के पूरे देश में 200 सीट लड़ रही है और 200 सीट में बोल रही है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो कांग्रेस को मतलब जो है अपने साथ रख ही नहीं रहे। ममता ने कहीं उनको एक सीट नहीं दी,
बसपा ने सीट नहीं दी। हाँ पूछ ले मेरे को, मैं तो आंकड़े के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। 200 सीट लड़ रही है कांग्रेस, तो बहुमत के लिए 272 चाहिए। देखिए कांग्रेस कितनी सीटों पर, देखिए जो आप ये जो बोल रहे हैं पिछली बार भी इनका बात आपने सुनी होगी, आपकी बार 200 पार इन्होंने बोला था और तीनों राज्यों से ये पार हो गए। तो अभी जो कांग्रेस लड़ रही है जगह 200 के ऊपर, तो स्वयं से लड़ रही 250 के ऊपर, परंतु जगह जहाँ जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिन राज्यों के साथ गठबंधन करा है, जैसे वायनाड राहुल गांधी जी भी गए कि वहाँ माहौल भी अच्छा बने। तो इस बार अभी 23 तारीख को कोई दिल्ली दूर नहीं है, अभी आपके सामने फिर हम लोग मिलेंगे और तय करेंगे कि देखिए कितनी सीट किसकी आई है। यदि आप सोचिए मध्य प्रदेश का ही आंकड़ा देख लीजिए, 29 सीटें, तो 29 में से 10 से 15 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी। आप राजस्थान देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप केरल देख लीजिए, हर जगह चीज है। आप गठबंधन जो बनाए थे, यूपी का भी गठबंधन है, तो कोई वो भाजपा के साथ तो है नहीं गठबंधन, तो वो हमारे गठबंधन की जो बात है वो गठबंधन है, तो वो गठबंधन हमारा गठबंधन है। गठबंधन मिलकर तय कर लेगा बाद में कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। गठबंधन का यहाँ पर आसरा है देवेंद्र यादव जी, ललित पुरवाल जी जानना चाह रहे हैं कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव। कांग्रेस जो है गठबंधन सहित पौने 400 के ऊपर से करीब जो है चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार किसी हालत में नहीं बनेगी। 40 से 45 55 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में कम होंगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को 60-70 सीटों से यहाँ हारेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे 150 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी जो हार रही है। और नरेंद्र मोदी जो जुमलेबाज है, झूठे वादे करते हैं, जो भाषण उनने पिछले लोकसभा चुनाव में दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, महंगाई कम होगी, एक भी मुद्दे पूरे नहीं हुए। अब उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी जी, देखिए अब राष्ट्रवाद पे आ गए, कभी राम मंदिर पे आ जाते हैं, बताएं राम मंदिर कब बनाएंगे हैं। आज से बरसों पूर्व राम मंदिर के नाम से इन्होंने जब हम छोटे थे ईंटें इकट्ठी करी, चंदा इकट्ठा करा, वो चंदा कहाँ गया अभी तक बताएं। बोले हमारी यहाँ सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बताएं कब मंदिर बनाएंगे। ये झूठ बोलते हैं, केवल मंदिर के नाम से वोट लेते हैं और जो है विकास की बात नहीं करते हैं। ये कांग्रेस विकास की बात करती है, राहुल जी विकास की बात करते हैं, कमलनाथ जी विकास की बात करते हैं। पवार साहब क्या लगता है, क्या आरोप सही हैं जो बीजेपी पर लग रहे हैं? देखिए कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत है और इसलिए कांग्रेस झूठ बोलेगी, लेकिन जनता को पता है। और पिछले 5 सालों में इस देश के अंदर जो काम किए हैं वो इस जनता से छुपे हुए नहीं है। और पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है और पूरी देश में, और ये जो बोल रहे हैं कि महागठबंधन में कहां कांग्रेस है, कांग्रेस को कोई भी सीटें नहीं दी गई। पार्टी ने केंद्र के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे देश में देश का जो सम्मान, मक्खी की तरह उखाड़ फेंका, उनको जो है बाहर कर दिया बिल्कुल। सुषमा स्वराज ने खुद ही इसलिए मना कर दिया कि ये पहले ही मोदी जी मुझे टिकट नहीं देंगे, उससे पहले बोले भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगी। उमा भारती ने बोला भाई साहब मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। उनको मालूम था, पर तो ताई बेचारी सीधी थी हमारे इंदौर शहर की, भोली थी, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, वो अपना बैठक लेती रही। ताई के साथ हमारी सहानुभूति, हम उनका सम्मान करते हैं, पर तो जिस कदर से उनको टिकट नहीं दिया गया उस तरह से आम महिलाओं का मन भी दुखी है कि यही कदर है भाजपा में महिलाओं की, इसी तरह से कदर है। बिल्कुल ताई का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है। उमा शशि शर्मा जी, नहीं ताई का अपमान नहीं हुआ है, ताई ने स्वयं वहाँ बोला है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे कहे अनुसार और मेरे मतलब जो पार्टी तय करे उसको टिकट दो और वही हुआ हैगा। ताई ने कोई मतलब ताई को कुछ नहीं कहा है, ताई ने अपने आप स्वयं यह बात करते हुए था ताई यदि महिलाओं के हिताय अंजू माकी जी को दे देते, भाई हमारी उमा जी बहुत सालों से वर्षों से काम कर रही हैं, तो वो माहौल पूरे इंदौर शहर में इस बार देखने वाला है। जिस तरह की बयार चल रही है उससे लग रहा है कि लोग भी नाराज हैं, इंदौर की जनता भी नाराज है जिसको इतना ऊपर तक पहुँचाया। क्या वाकई में जनता नाराज है और किन मुद्दों के आधार पर दस्तक दे रही है? सर आपका कोई सवाल है क्या, क्या कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे कि क्या कोई सवाल है? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, गरीबों के लिए कहते हैं हम हमेशा काम करते हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम करा, गैस की टंकी जो कांग्रेस के राज में 300-400 रुपये की मिलती थी आज 1000 रुपये में लेना पड़ रही है, सब्सिडी के नाम से उन्होंने जो अकाउंट खुलवाए थे गरीबों के, वो गरीबों के अंदर जो अकाउंट के पैसे आज भी नहीं मिल रहा है, गरीब लोग भटकते हैं दर दर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री हमारे जो राहुल गांधी है वो गरीबों के लिए शुरू से, इंदिरा गांधी सब सोच
इन्होंने महंगाई का जिक्र छेड़ा है। इनका कहना है कि गैस महंगी हुई आपके राज में, महंगाई लगातार बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आम आदमी का संघर्ष बढ़ा है। देखिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पूरे देश में करोड़ों की संख्या में महिलाओं को, चूँकि वो उनकी आंखें खराब होती थी, लकड़ी जलाकर रोटी बनाती थी, ऐसे करोड़ों महिलाओं को गैस के चूल्हे निःशुल्क दिए और निःशुल्क देकर उन्होंने उनको पूरे देश में महिलाओं का जो सम्मान मोदी जी ने किया है, और इसलिए कोई भी जो बात है वो बहुत स्पष्ट है कि जो महिलाओं को निःशुल्क और करोड़ों लोगों को इसलिए उनके गैस कनेक्शन। पात्रा जी की बात कर रहे हैं, जरा पूछ रहे थे किन पात्रा जी की बात कर रहे हैं हम, जो ये अपने प्रवक्ता है ना सुमित पात्रा जी, पात्रा जी क्या मसला था? वो मसला वो खुद ये टंकी की बात कर रहे हैं कि टंकी उज्जवल योजना और ये दी वो दी है। सुमित पात्रा जी जो प्रवक्ता है वो खुद एक अम्मा बिचारी बैठी बुजुर्ग महिला जो है उनसे रोटी बनवा रहे हैं, बोले हमने टंकी बांट दी, कहाँ गई टंकी है? महिलाएं हमारी अच्छी महिलाएं, हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, ना एक रोजगार दिया ना महिलाओं को सशक्त करा, इतने अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गए। महिलाओं की जो सुरक्षा की गारंटी ली वो कांग्रेस ने ली, त्रिस्तरीय पंचायतों पे आज पार्षद और महिलाएं जो बन रही हैं वो कांग्रेस ने करी, महिला आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है, आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सरकार आती तो महिलाओं को रोजगार भी वो देंगे। शंकर ललवानी जी जो अध्यक्ष थे और कई पदों पर रहे, माँ अहिल्या जी की जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को उन्होंने जो है राजवाड़े के जो है द्वार पे लगा दिया बिना उसके पूजा पाठ के। उनने एक तो कृत्य की इतना बड़ा खराब किया कि अहिल्या जी की प्रतिमा हटा के जो है वहाँ पर राजवाड़े के द्वार पे लगा दी, और किस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, शायद वो आपके कार्यकाल में हुआ था ये, शायद मुझे ऐसी। महापौर जी डॉक्टर उमाशी शर्मा जी कहना है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा का जो स्थल बदला था उस पर कांग्रेस को आपत्ति है, जनता को आपत्ति। देखिए क्या हुआ था कि एक तय किया था कि राजवाड़े पर नो व्हीकल जोन बनाया जाए, और नो व्हीकल जोन बनाने के लिए वहाँ एक बड़ा गार्डन बनाया गया था, और गार्डन और ये बनाकर और प्रतिमा जी को शिफ्ट किया था। पर चूंकि बाद में जब ये लगा कि वहाँ पर तो वहाँ पर जब मतलब वो लगा कि जनता को कि रोड आवश्यक है, क्योंकि शहर में केवल एक जवाहर मार्ग बचता था और जवाहर मार्ग से व्यक्ति नहीं निकल पा रहा था, तो फिर से एक रोड निकाली गई, तो रोड के उसमें अहिल्या माता आ रही थी, तो फिर उनको बीच में शिफ्ट किया। उमा शशि शर्मा के कार्यकाल में ही प्रतिमा वापिस बगीचे में लगाई गई है, और पहले गलती हुई थी क्या में जो गलती हुई थी उसमें भी इंदौर विकास प्राधिकरण ने उसके ऊपर जो छतरी, जबकि इनके जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि अहिल्या बाई के ऊपर छतरी लगाई जाएगी, लेकिन 5 साल 10 साल तक नहीं लगी, और बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण ने उस अहिल्या माता के सर के ऊपर छतरी लगाने का संकल्प लिया और वो लगाई, और वो उद्यान के अंदर ही प्रतिमा लगी है, और वो भारतीय जनता पार्टी और उमा वापस लाना पड़ा ना, नहीं हुआ था ये, गलत जानकारी है कि देवी अहिल्या जी का सम्मान कौन करती है, आपकी पार्टी करती है, आपकी पार्टी करती है, देवी अहिल्या उनके नाम पर वोट लेती है, हम लोग उनका आदर करते हैं, दिल के अंदर रखते हैं अहिल्या माँ। आप कहाँ रखते हैं देवी अहिल्या भाई होलकर भाई को? तो हम भगवान के रूप में मानते हैं, और इसलिए अहिल्या भाई के आदर्श को लेकर सुमित्रा महाजन ने पिछले 30 साल में जब से 8 मरतबा सांसद बनी, उनका उद्देश्य था कि सबका साथ सबका विकास, और लगातार अहिल्या बाई के उद्देश्यों को, अहिल्या बाई के काम को, अहिल्या माता का भी मन दुखी है कि ताई को टिकट नहीं मिली, अहिल्या माता भी सोच रही कि कैसी भाजपा पार्टी है, इतना ताई सम्मान करती, तो फिर स्थापित करने वाली सुमित्रा महाजन है हमारी जो सांसद है। नहीं बिल्कुल बाहर नहीं किया, अरे 8 बार उनको कराए और उन्होंने अपनी इच्छा से अडवाणी जी ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने केजरी जी को कैसा फेंका था बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अडवाणी जी को उठा के संसद से उठा के उनके घर पे बिठा दिया, चूंकि वो और उन्होंने
90 प्लस हो गए थे, ताई को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं दुखी हूँ। अभी तक जवाब नहीं दिया। ताई ने चिट्ठी लिखी और ताई घर में बैठ गई। को भजन में है नरेंद्र मोदी, को भजन में हल्ला बहुत हो रहा है, बहस बड़ी गर्माहट हो रही है। क्या सवाल है आपके पास? क्या वाकई में कोई ऐसा सवाल है जो जनता से सरोकार रखता है? मेरा तो कांग्रेस से एक छोटा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं वो बोल रहे हैं, उनका हर प्रत्याशी एक ही बात बोल रहा है, मैं भी चौकीदार लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार अगर जीत रही है और कांग्रेस सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको महागठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई, पहली बात तो मेरी है। और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आते ही अभी उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, इस कलयुग में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए बुजुर्गों के लिए एक यात्रा चालू की थी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, जो कि कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी है। तो क्या ये उस आधार पर वोट मांगेंगे? तो पूछ लेते हैं। दो सवाल है यहाँ पर, बड़े वाजिब से सवाल है। एक सवाल तो ये है कि कांग्रेस यदि वाकई में सरकार बना रही है, इस स्थिति में है, तो गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी? और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि शिवराज जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, क्यों बंद करी? इनको ना जानकारी नहीं है, पहली बार अभी आपको इनको मालूम नहीं है, क्योंकि क्या है ऐसी सरकार गई, इनको जानकारी मिलना बंद हो गई और इनके सपने आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी कुंभ पड़ा इलाहाबाद में, पूरे हजारों की संख्या में लोग भोपाल से गाड़ी में बैठ के तीर्थ दर्शन योजना में इलाहाबाद गए। उपचार योजना भी बंद कर दी। वास्तव में जो ये कांग्रेस है, इसको 70 साल में तो उससे ज्यादा मरे है ना। 19 तारीख को और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें गोलियों से मारा गया है। कांग्रेस को सबक 23 तारीख को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं भी सरकार बनाने, बस ये जरूर होगा कि पहले विपक्षी नेता बनाने के लिए 54 सीट होना चाहिए थी, 44 थी, अब विपक्ष के नेता के रूप में 54 सीट तो कांग्रेस की आ जाएगी। ताकि विपक्ष की बात किस तरह से बोल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ उन लोग की हालत, क्योंकि 15 साल से सत्ता में थे, उनको वही देखने की हालत थी। अभी इनको योजना ही नहीं मालूम है पूरे। आप देखिए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना कर दिया गया। आप ये देखें, वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 कर दी गई। पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी दे दी गई। जो सामूहिक शादियाँ होती है उसमें 21,000 से लेकर 51,000 कर दिया। और तीर्थ यात्रा बंद नहीं करी, वही मैं इनको बता रही हूँ। और इन्होंने नाम बदलना चाहते थे, योजना का नाम बदलना इन लोगों को आता था, बिल्कुल भी नहीं की गई है। इनको क्या अभी तक सपने आते हैं? कई लोग मैंने देखा जो पूर्व मंत्री हो गए हैं भाजपा के, अभी तक गाड़ियों से अपना नेम प्लेट नहीं निकाल रहे हैं, अपने घरों से नेम प्लेट नहीं। इनको इतनी आदत पड़ गई थी, इनको अभी एहसास ही नहीं हो रहा कि इनकी सरकार चली गई है। बड़े बड़े जुमले बोलते रहते हैं, 15 साल को यदि अच्छा किया होता तो कहाँ से सरकार जाती, चली गई। केंद्र में जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे नरेगा हो, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, बोले आधार कार्ड को जो कूड़ेदाने में फेंक दो। हाँ कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, कहा था कांग्रेस के जितने भी जो वादे किए थे और जितने नियम है, जितने वादे किए थे वो कांग्रेस के ही लागू करे हुए हैं, जो कांग्रेस की योजनाएं थी। प्रश्न करिए, क्या इंदौर में एक भी अच्छा बस स्टैंड है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल है, 2-4 फ्लाईओवर है? 15 साल से इनकी सरकार थी ना, अब देखिए 5 साल में जो विकास होगा। अभी से बोल रहे हैं बस के अभी 23 तारीख चुनाव हुआ, ये कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इनको इतनी आदत पड़ गई, इनको सरकार चाहिए। 5 साल दूसरे को भी चलाने दो भाई, पूछिए इनसे। लोकतंत्र की हत्या करने की बातें क्यों बार बार आती है? और जैसा सवाल करने, बहुमत का है, लंगड़ी सरकार है जो आप बात कर रहे हैं कि लोग, अरे बहुमत है क्या? समर्थन तो है ना, तो वो पता वो कितनी देन देने वाले हैं, वो भी पता लग जाएगा। वो मायावती ने बोल दिया कि कभी भी डमरू बजा दूंगी, क्योंकि मायावती के जो एक उम्मीदवार था, भाजपा का डमरू बजाएंगी, गुना में बिठा दिया, और इसलिए उसने बोल दिया कि कांग्रेस के लोग होश में रहो, मैं कभी भी बहुमत जो है अपना वो कभी भी बहुमत नहीं दूंगी, ये बोला मायावती जी ने। वापिस कभी भी ले सकती है वो, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं क्या इस तरह से? नहीं है, कांग्रेस अपने कर्म से मरेगी, हम नहीं गिराएंगे। कांग्रेस जो है अपना, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को देश से खत्म कर देंगे, खत्म हुई के कांग्रेस पूछे इनसे? आपने कहा था भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, मुक्त कांग्रेस अपने कर्म के साथ मुक्त होगी, और कांग्रेस जो है आने वाले 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे कांग्रेस का क्या होगा ये हर्षी देख लेंगे। भाजपा का क्या होगा, आप और हम यही खड़े होकर बात करेंगे। जब पिछली बार आपने बोला कि कांग्रेस मुक्त भारत,
अरे भाजपा मुक्त हम तो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां हैं, एक पार्टी जाएगी एक पार्टी आएगी, हमारी भावनाएं नहीं है। हम लोग प्यार के रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम सच्चाई के रास्ते चलने वाले लोग हैं, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है भाई। काम करेंगे, अपने आप जनता रिजल्ट देगी, जनता सत्य सत्य जानती है और जनता जवाब देगी। आपके जैसे नहीं कि पूरे कांग्रेस मुक्त करते तो 3 राज्य आ गए, और अभी आप चिल्ला रहे हैं तो और अभी 8-10 राज्य आ जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। पूछ लेते हैं जनता के मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या सवाल है? मेरे मन में ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी जिस समय मुख्य प्रधानमंत्री बने थे, वो जिनकी जो घोषणा थी कि नोटबंदी, GST, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और देश के हित के लिए जो भी काम करेंगे उनका 15 लाख रुपये आएंगे, उनका एक भी जुमला पूरा नहीं हुआ। और अब वो सारे जुमले वो भूल के अब देश की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो अन्याय हुआ है हमारे देश के साथ, इस लोकसभा में पूरे देश की जनता बता देगी कि अन्याय हटा के न्याय लाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, न्याय होगा। यहाँ पर पूछ लेते हैं, अन्याय क्या हुआ है, क्या वाकई में जिस तरह से न्याय की बात बार बार हो रही है? प्रधानमंत्री ने योजनाएं चालू की है, अंदर तक जाकर चाहे वो सौभाग्य मतलब 18,000 गांव में बिजली पहुंचाना या 6 करोड़ लोगों को चूल्हा मतलब गैस का चूल्हा न देना, तो ये जो सुविधाएं पूरे देश को बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की है, उसके बाद जो मतलब एक स्किल पैदा किया है वो इस 5 साल में हुआ है, और आगे भी अब देखेंगे करके बहुत कुछ करके दिखाएंगे वो आने वाले। क्या अन्याय पूरे दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया पिछले 35 साल 40 साल 50 साल तक कांग्रेस ने कभी भारत में, अभी 5 साल में कोई आतंकवादियों ने हमला किया और हमला किया तो पाकिस्तान में घुस कर मारा, ऐसा आज तक हुआ क्या? तो ये जो देश का मान सम्मान जो मोदी जी ने बढ़ाया है, इसलिए ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है। और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि घोषणा पत्र में ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से कश्मीर से सेना हटा देंगे। अरे शर्म आना चाहिए, सेना हटा दोगे तो क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दोगे? जवाब दीजिए। देखिए इनका कहना रहता है उसके पहले, ये जब से आए तभी देश सुरक्षित था, उसके पहले तो देश असुरक्षित था और लोग तो ऐसी जमीनों पे घूम रहे थे, ना ट्रेन थी ना प्लेन था ना वाहन थे ना कुछ भी नहीं था। सर इन्होंने ही सब करा, कृषि के क्षेत्र में से लेके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने करा है, और देशभक्ति भी इनके पास है। जो हमारी पार्टी से उनको लोग ले लेते, जब हमारी पार्टी में लोग होता है तो वो एकदम देशद्रोही होता है, जब इनकी पार्टी में वो लोग आ जाते हैं तो वो एकदम देशभक्त हो जाता है। ऐसा इनकी देशभक्ति अलग है, हम लोग दिखाते नहीं हैं, ना हम धर्म का उपयोग करते हैं ना हम देश का उपयोग लिए करते हैं, हम अपने कर्मों का उपयोग करते हैं और जनता को सच्चाई बताते हैं कि हम आपके लिए ये सुविधा लाएंगे, हम आपके लिए योजना लाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा, हम आपके लिए 72,000 की न्याय योजना लाएंगे, 6,000 रुपया हर माह आपके पॉकेट में आएगा। तो इनको योजना बताते जी, सवाल पूछने के समय मोदी जी से हम लोग को है तो मोदी जी बताते हैं मैंने बाहें इतनी थी तो मैंने कुर्ता काट लिया तो मेरा आधा कुर्ता हो गया, तो आम को ऐसे खाना चाहिए? ये जनता को थोड़ी चाहिए, उसको चाहिए अपना घर चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छा उनको सुरक्षा का अधिकार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको GST और नोटबंदी नहीं चाहिए। व्यापारियों से पूछे उनकी हालत क्या है, इसी कारण की सरकार गई है, क्योंकि व्यापारियों का परसेंटेज वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ गया है, क्योंकि कांग्रेस ही समझती है कि एक व्यापारी का दर्द क्या है, वो कैसे पैसे कमाता है। ये भाजपा कभी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उनको सिर्फ व्यापारियों के नोट चाहिए। बड़ी बात है, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी बात आखिर करेगा कौन और कब जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे उठाए जाएंगे? यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, वो ले लेते हैं, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। क्या सवाल? कांग्रेस जो सम्मान और न्याय की बात करती है, तो मेरा सवाल ये है कि जब प्रियंका गांधी इंदौर आई थी तो उन्हें अहिल्या देवी जी की दर्शन नहीं किए, वहीं एक और जब वो वाराणसी के रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का जब सम्मान किया तो खुद के गले से ही माला डाल के उनको पहना दी, तो ये सम्मान किया था उन्होंने? क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए यहाँ पर आप जवाब दे दीजिए फिर अगला। यदि उन्हें उनके गले में माला थी, ये क्या होता है, उनको सम्मान देना था तो उन्होंने अपने कई बार होता है कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम हमारे हाथ की चीज़ भी दे देते हैं, अपनी थाली का निवाला भी खिला देते हैं। यदि उन्हें माला पहनाई तो उनके मन में आदर था, उन्हें अपना आदर जो है, कई बार हम लोग अपने गले की माला भी कहीं देते हैं तो उन्होंने दी। और आप कह रहे अहिल्या माता की तरफ मुँह करके उन्होंने सब पूरा भाषण दिया, भगत सिंह को भी उन्होंने दर्शन करा, इन लोग के तो झूठे लोग गए वहाँ दूध से धो रहे हैं, अरे दूध गरीब को पिला देते ना भाई, वहाँ पर दे देते भागता, बस उनको वीडियोग्राफी चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, इसीलिए इनको चाहिए। प्रियंका गांधी की, उनने अपनी दादी को शहीद होते देखा, उनने अपने पिताजी का, ये भाजपा वाले बताते उन्होंने अपने नाखून भी दिया है कभी देश के, उसमें क्या करा है बताइए? दिया आपने देश की रक्षा के लिए क्या किया, आज़ादी के लिए किया गया, वंशवाद, एक ही वंश का जो है पूरा देश पे कब्जा, बस वही है। इंदिरा गांधी जाएगी तो राजीव गांधी जाएगा तो
सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जाएगी तो आकाश, अरे आकाश, आकाश विजयवर्गीय की प्रॉपर्टी है ये देश, ये देश टिकट दिया गया भाई, जो है उनकी वंशवाद है, कहाँ वंशवाद नहीं है। आकाश विजयवर्गीय जैसे कांग्रेस ने जैसे राजा महाराजा जैसी स्थिति बना रखी है, एक बार पिता जाएगा तो उसका बेटा, उसकी पत्नी, ये इस देश का ये हल कर रखा है। राजा का बेटा जो है विधायक है वहाँ से, गोपीनाथ मुंडे की लड़की जो है विधायक है, वसुंधरा जी का बेटा, कैलाश जी का बेटा, पूनम महाजन, तो ये इनके वंशवाद नहीं, जो भी चीज़ है वो कांग्रेस खराब है, ये तो सब दूध के धुले, इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, इन्होंने तो 5 साल में देश विकसित कर दिया, इसीलिए आपके हाथ में मोबाइल आ गए, इन्होंने मोबाइल बना दिए, इन्होंने कंप्यूटर बना दिया, और आपको भी हो सकता है कई बार बोल दे महेंद्र को भी हमने पढ़ा लिखा दिया और खड़ा कर दिया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक सवाल ले लेते, क्या सवाल है आपका, सवाल वो संक्षिप्त में पूछिए। कांग्रेस सरकार हर चीज़ सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है हर जगह, तो मेरा सवाल ये है कि मैं पूरे सबूत के साथ जो जो योजना है भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, ये सबूत कि भारतीय जनता, ये एक सबूत मुझे 30 दर्शन का बता दे कि कमल दास सरकार ने एक भी यात्रा कराई हो। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस जब अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले हार्दिक पटेल उनके लिए क्यों वोट मांगने आ रहे हैं? अभी रतलाम में उन्होंने कन्हैया कुमार जब कांग्रेस इतनी महागठबंधन कर रही है, तो भारत की जिस भारत की दुहाई सारी दुनिया देती है, वैसा कहने वाले भारत तेरे टुकड़ों में वो भारत के लिए वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये भी पूछ लेते हैं। और क्या सवाल पूछेगा बहुत संक्षिप्त में? मैं एक बोलना चाहता हूँ, अगर इनकी पार्टी इतनी अच्छी होती और नरेंद्र मोदी इतने अच्छे काम किए होते तो हमारी गवर्नमेंट कैसे बन जाती, कमलनाथ जी कैसे बन जाती। यहाँ पर क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है अर्चना जी, सवाल पूछिए अर्चना जी देवेन भैया, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी जी देशद्रोही के साथ क्यों खड़े रहना पसंद करते हैं और देशद्रोही के साथ मिलकर ही सरकार बनाना चाहेंगे? कौन देशद्रोही की बात कर रहे हैं आप? कन्हैया को ले लीजिए आप, उसके बाद जो भी अगर आतंकवादी संगठन की गतिविधियां होती उनमें उनका हस्तक्षेप क्यों रहता है? कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, ये नामों से जनता को ऐतराज है, आखिर क्यों आप ऐसे लोगों को अपने साथ गठबंधन में? देखिए जनता को नहीं है, भाजपा को ज्यादा ऐतराज है, क्योंकि ये लोग आते हैं और मुद्दे की बात रखते हैं और सच्चाई से जनता को अवगत कराते हैं। ये लोग जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये लोग इनकी बात सच मानते हैं। हमारे यहाँ से कोई जोर से बोलने आ जाए और अच्छे से बोलने लग जाए तो इनको ऐतराज होता है। आए और हार्दिक पटेल काम कर रहे हैं और अभी और युवाओं की आवाज़ है, आप उनके देखिए जनसैलाब उनके साथ, और जिस तरह से वो बात करते हैं, क्योंकि वो मोदी की पोल खोलते हैं, तो इनको पसंद ही नहीं है, चुप रहना पसंद है, तो हम लोग भी अब बोलने लगे। हमने कई बार सोचा कि काम हम लोग ने इतने करे, हमने गिना ही नहीं, और इन लोग ने कुछ 5 साल में करे नहीं और गिनाते रहे। जब मोदी जी बात करते हैं तो काम गिनाए ना भाई। राहुल गांधी जी कहते हैं आइए हमारे सामने बैठ के हमसे बात संवाद करें, अपने मन की बात तो बोल देते, जनता के मन की बात कब सुनेंगे वो? आप अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते, और हार्दिक पटेल अच्छे नेता इसलिए की मन की बात सुन के ही आज देश के अंदर करोड़ों मकान लोगों को दिए, जितनी भी नहीं, राम मंदिर का तो बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसी राम मंदिर बन जाएगा, तो ये क्या कहते हैं राम मंदिर के नाम से, अभी से वोट क्यों मांगते हैं, ईंटे क्यों इकट्ठे करते हैं भाई? नहीं बिल्कुल राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, ये हमारी भावना है। यूपी पर सरकार है तो आप राम मंदिर बनाइए, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे और तारीख क्यों नहीं बताएंगे? अरे मंदिर तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रकरण चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करके थोड़ी बनाया जा सकता है। आपके घोषणा पत्र में कोर्ट नहीं सम्मान करते हैं, वो इस तरह के हैं कि बोलेंगे राम भी दुखी हो गए, ये क्या कर रहे हैं भाजपा वाले? लोगों को मरवाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, दंगे कराने के अलावा राजीव जी ने, राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले, यूपी में सारे दंगे खत्म कर दिए योगी ने आके, जो पूरे 2 साल रहे में इनको जीतना है तो दंगे। वो सही बोल रही है, वो दीदी सही बोल रही है कि ये भाजपा अपने लोगों को लेके आई है और ये दंगे करवा रही है। दंगे करवाना, वोट लेना और राज्य करना, फूट डालो, राजनीति करो, ये भाजपा के लोगों को कितने भी चिल्लाने कुछ भी हो जाए, 23 तारीख को इनका पर्दा सब साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। चौकीदार चोर है, जनता को पता चल गया है, चौकीदार चोर है। चलिए चलिए यहाँ पर बहरहाल देश में चौकीदार की बात सब हो रहा है, पहरेदारी कौन करेगा, क्या कुछ कहना चाहिए? ये चौकीदार चोर बोलते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट बुलाती है कि तुम इस तरह नहीं बोलोगे तो माफी मांगे आते हैं कि अच्छा अच्छा अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा, और फिर आगे चिल्लाने लगते हैं। तो वो एक बालक का जो आया था ना
कि बोले थे ये तो जीवान है, क्या करूं मेरे मुंह से निकल गया, चौकीदार चोर ऐसे बोलते रहते हैं। और आप खुद जानते हैं कि राहुल गांधी की देश में क्या इमेज है, राहुल गांधी क्या बोलता है उसे खुद को ही नहीं पता रहता है। और राहुल गांधी कहीं भी नरेंद्र मोदी के सामने कहीं पासंग में भी नहीं लग रहा है, और इसलिए कांग्रेस का कोई भी कभी मायावती बन जाती है, कभी ममता बन जाती है, कभी राहुल बन जाता है, कभी देवगढ़, ये कांग्रेस की कोई नीति, देश की कोई भी एजेंसी हो, चाहे RBI हो, चाहे CBI हो, चाहे न्यायपालिका हो, किसी को भी मोदी जी ने नहीं छोड़ा, ये संविधान की ताकत थी। तोता कौन है, कांग्रेस के ही राज में बोलते थे ना कि CBI क्या है, तोता है, बताते थे ना, तो वही उनको अपना अनुभव है, उनका अपना अनुभव हमारा नहीं है, उनका मतलब माने मान रहे भाजपा ये चीज मान रहे हो कि तोता बना लिया CBI को, रफेल घोटाले की जांच CBI से क्यों नहीं करा। अनुभव है कि बिना मतलब दलाली के कोई भी रक्षा सौदे नहीं हो सकते, तो ऐसे ही है, जानते हैं, डर गए, बौखला गए, इसलिए राजीव गांधी का नाम लेके आ रहे हैं। किसी के शहीद पिताजी हैं उनको ला रहे, प्रज्ञा भारती करकरे को बोल रही है, शहीद का अपमान कर रही है, ये भाजपा कर सकती है सिर्फ वोटों के लिए और सत्ता में आने के लिए। राजीव गांधी को हम लोग कुछ बोले तो बोले मोदी को बोल रहे हो आप, एक दिवंगत प्रधानमंत्री जिसको शहीद का दर्जा दिया गया है उसको आप लेकर आ रहे, राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए, प्रियंका गांधी के आने से डबल डरे हुए, इसीलिए आप पिताजी को लेके आ रहे हो, आप डर रहे हैं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी, इसीलिए कांग्रेस की जो सरकार थी और इतनी भ्रष्ट थी कि एक नहीं 25 किस्से, और उसी के कारण देश की जनता ने उन्हें बाहर किया। अब भ्रष्टाचार यदि करोगे और देश की जनता बाहर करेंगे तो बोले वो शहीद हो गए, अरे भ्रष्टाचार यदि करोगे तो देश की जनता निर्णय, अधिकारी को क्यों हटाया, क्यों नहीं हटाया, फाइल थी उस अधिकारी के पास, 23 तारीख को पता पड़ जाएगा, जांच करने वाला था अधिकारी रफेल घोटाले की, कांग्रेस की क्या हालत होने वाली है ये पता पड़ जाते हैं, रफेल घोटाले की जांच बताए क्यों नहीं कराते। देखिए नीरव मोदी को भगा दिया पैसे लेके, हजारों करोड़ को लेके सबको, अबे चौथा मोदी है, मामा गया अब मोदी भी जाएगा, ये कह रहे हैं मामा गया मोदी जी जाएंगे, क्या ये आरोप सही है? ये सिर्फ मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है, और इसलिए कांग्रेस के हैं पंकज संघवी चुनाव जीत रहे हैं लाखों वोट से चुनाव पंकज संघवी जीत रहे हैं। अभी हमारा एंकर पूछ नहीं रहा है कि कौन, चलिए यहाँ पर जनता के सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल है आपके मन में, बहुत ज्यादा सवाल। सर मेरा सवाल है कि आप कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग समझते हैं, तो फिर वहाँ से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्यों हटाना चाहते हैं? वो सिर्फ वहीं लगता है जहाँ की मतलब जनता दंगा करना चाहती हो, या कश्मीर का मसला है, आप क्यों आर्मी वहां से हटाना चाहते हैं, ये बालिका पूछना चाहती है। कहां से? कश्मीर ऐसा कोई भी बात नहीं है, जो भी भ्रम फैलाया जाता है ये लोग बोलते हैं, और जो नहीं पत्र में कहा है कि जो देशद्रोही का कानून है वो भी खत्म करेंगे और वहां से सेना हटाएंगे, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है, सुरक्षा से कांग्रेस ने समझौता नहीं किया है, और ये जो लोग वहाँ कश्मीर में गए और किसके साथ समझौता करा, जो इनके साथ कभी जिसके लिए बोलते थे उसी के साथ समझौता करके उनकी सरकार बनाई और आज उसी को छोड़ दिया, सरकार भी खत्म हो गई, और जिस मुद्दे को लेके गए थे कश्मीर अजहर मसूद को बैन लगाया किसने, मोदी जी ने, आज यूनाइटेड उसमें आपकी सरकार ने भेजा पाकिस्तान। ये जो भाजपा है वो भाई और भाई को लड़ाना चाहती है, कहीं भी जहाँ भी आपने देखो उन्होंने गठबंधन करा है, जहाँ जहाँ जाके उन्होंने जिसकी बुराई करी उसी के साथ गठबंधन कर लिया और उसके लिए बुराई करते रहते, तो वही चीज़ कश्मीर के साथ हुआ है, और कभी भी कश्मीर को जो भी चीज़ था, आप नेहरू जी देखिए, इंदिरा जी देखिए, सभी ने इस चीज़ को मांगा, कश्मीर हमारा हृदय स्थल है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी ये उसको अपने उन्होंने जैसे अभी अमित शाह ने कहा सारे राज्यों पर हमारा कब्जा, सब जगह पूरे भारत में हमारा, ये राज्य हमारा, वो राज्य हमारा, ऐसा कांग्रेस ने अहंकार नहीं करा, और अहंकार रावण का भी नहीं चला, इसलिए अमित शाह और मोदी का भी नहीं चलेगा। अहंकार की बात आई, अहंकार ही बता रहे हैं मोदी। चलिए क्या लगता है आपको, अंत में जाते जाते मोदी और अमित शाह को अहंकारी कांग्रेस बता रही है, और क्या इंदौर का सांसद कौन बनेगा? इंदौर का सांसद शंकर ललवानी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम किए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और आगे भी मैं यही कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ। कौन बनेगा इंदौर का सांसद?
इंदौर का सांसद शंकर लालवानी बनेगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और इस देश को जो ऊंचाई पे ले गए वो इस देश को और ऊंचाई पे ले जाएंगे और प्रधानमंत्री उनका बनना लगभग कौन बनेगा इंदौर का सांसद? पंकज संघ भी बनेगा। ताई का जो अपमान हुआ है जनता उसका बदला लेगी और हमारी कौन बनेगा? चोर है। कौन बनेगा इंदौर का? पंकज संघवी। पंकज संघवी जनके की चोट पे बनेगा। मोदी मोदी राहुल गांधी मोदी देश का प्रधानमंत्री मोदी। चलिए अब ये यहाँ पर चौथे स्तंभ का नहीं बल्कि जनता का फैसला है जो कि जनता को तय करना होगा कि लोकतंत्र में असली आहुति जनता क्या देती है 19 मई की तारीख को ईवीएम मशीन में बटन दबाकर। ओवर टू स्टूडियो।